कैंसर सन मून एंड राइजिंग, माय नेम इज पिक्सी। सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सब लोग इससे ना रेजोनेट कर पाए। अगर आप नहीं रेजोनेट कर रहे हैं तो अपने सन मून राइजिंग तीनों ज़रूर देखिए रीडिंग्स। वैसे भी आपको तीनों देखना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग पता चलती है अपनी सिचुएशन की। और अगर आप पूरी रीडिंग स्टोरी लाइन से ना रेजोनेट कर पाए तो हो सकता है कुछ मैसेजेस हों आपके लिए, तो आप ज़रूर देखिए पूरी रीडिंग। लास्ट में हम आपके पार्टनर की साइड से, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप कमिटेड हो या फिर जो भी है, तो उनकी साइड से भी कुछ चैनल्ड मैसेज निकालेंगे और कुछ चार्म्स भी। और इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपकी लाइफ में आने वाली है वो भी निकालेंगे। Here we go. Transformation. Okay, cancers, कुछ बदल रहा है आपके अंदर, आप चेंज हो रहे हैं। दैट इज रियली ब्यूटिफुल लाइफ, लाइक आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। दिस कार्ड इज सो ब्यूटिफुल, कैन यू सी? सो या ट्रांसफॉर्मेशन। ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द रीडिंग इज एस ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है कहीं से, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये किसी चीज़ को लेके आपका पैशन हो सकता है, बट मतलब प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। और बहुत सुंदर, आपके दो पहले दो कार्ड बहुत ही सुंदर हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास टावर। ओके, बट ये जो प्यार भरी फीलिंग्स है जो कोई आपको बताना चाहता है या फिर आपके लाइफ में आना चाहती है, उसको उसको द टावर जो कार्ड है वो रोक रहा है। अब अपन आगे पूरी रीडिंग देखते हैं कार्ड्स निकालने के बाद। द एम्परर, वाओ, द हाई प्रीस्टेस। ओके 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 मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एम्परर है। मुझे यहाँ एम्परर कार्ड दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको सपोर्ट करता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है। और ये जो द एम्परर होता है ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, लाइक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत लाइक कोई ऐसा जो बहुत ही लाइफ में स्टेबल हो और बहुत ही अच्छे से लाइफ में ग्रो कर रहा हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही स्मार्ट हो, तो ये मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई है। अभी कौन है या फिर ये आपकी एनर्जी है देखते हैं। लाइक ये बहुत ही बोल्ड एनर्जी है जिसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है और मुझे लग रहा है कि इन्हीं से रिलेटेड ये एस ऑफ कप्स भी आया है, जो ओवरऑल आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। वाह, ओके, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई है जिनके साथ आपकी एक साइकिल लाइफ की खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है, इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। तो मुझे लग रहा है ये प्रोबेबली आपके पार्टनर हैं जिनके साथ में आप
आपका कुछ कुछ एक नई साइकिल शुरू हो रही है, जो पुराना था वो ख़त्म हो रहा है और आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग एनर्जी है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे आप मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही हैं, या दिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। तो क्वीन बोला है तो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए कार्ड हो। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोइंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, अपने पावर में हैं, या फिर ये एक पावर कपल भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे पावर कपल ही दिख रहा है, द एम्परर है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो इट्स अ रियली वेरी नाइस एनर्जी। अब यहाँ पे मुझे एक बात ऐसी लग रही है कि आप ग्रो करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बट कुछ कारणों की वजह से आप शुरू नहीं कर पाते। मतलब आप चाहते हैं कि कुछ शुरू हो, शुरू हो, शुरू हो, और कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से, या खुद के कारण, या फिर आप खुद खुद के रास्ते में आते हैं और वो जो नई क्रिएटिव चीज़ आप शुरू करने वाले चाहते हैं, जो मुझे पेज ऑफ कप्स से दिख रही है, वो शुरू नहीं हो पाती है, और ये एनर्जी चेंज हो जाती है 10 ऑफ सॉर्ड्स में। या तो मुझे लग रहा है किसी के साथ, जिसके साथ भी आपका ये रिलेशन है, तो वो रिलेशन बार बार डेड एंड पे आ जाता है, बार बार डेड एंड पे आ जाता है। आपको लगता है अब ये अच्छा चल रहा है, अब ये शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे चीज़ें अच्छी जाएंगी, बट फिर बार 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 डेड एंड आ रहा है यहाँ पे। अब इसको जो क्रॉस करा है वो है द हाई प्रीस्टेस। हम हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे, द हायरोफेंट। ये 100% किसी कमिटमेंट के बारे में है, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल था, अब किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया है, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज दिख रही हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप बार बार डेड एंड पे आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, तो यू नीड टू टैप इंटू योर एनर्जी, कैंसर्स, ओके। आप अपने इंट्यूशन से चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करिए, और कैंसेरियंस का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो आपका साइन है कैंसेरियन, दैट इज़ रिलेटेड टू मून, और जहाँ मून की बात आती है वहाँ इंट्यूशन की बात आती है। द हाई प्रीस्टेस है, मतलब अगेन इंट्यूशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मुझे कमिटमेंट के बारे में लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कमिटमेंट में जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो अब आपको कैसे इसको ठीक करना है, पूरी सिचुएशन को, ये आपको अपने इंट्यूशन में जाके सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहे हैं, अगेन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं, एक आप कमिटमेंट में हैं, बट उनसे जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं ये सब जो भी क्योस है आपकी लाइफ में, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट कोशिश तो आप कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा बैगेज लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका मन भारी रहेगा कि पास्ट में क्या हुआ है, या फिर कोई आपको वो प्यार नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं, हालांकि आप मुझे पावर कपल में भी दिख रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड थिंग्स। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और बिजी हों, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो, या फिर आप बिजी हों, तो आप अपने रिलेशनशिप को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। बट आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, बट आगे बढ़ रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा बैगेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एस ऑफ कप्स आया और जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कि आप लाइफ में आगे बढ़ के चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे आप मुझे पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं किसी सिचुएशन के कारण, हो सकता है आपके पर्सन के कारण, और अगर मैं पर्सन बोल रही हूँ तो कुछ लोगों के लिए वो उनकी जॉब भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है, अब मुझे लग रहा है यहाँ पे अगेन आप डिसअपॉइंटेड हैं, बट यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ है कि ये है 5 ऑफ कप्स में, देखेंगे आप 5 कप्स हैं, 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, और यहाँ पे 2 कप्स हैं, दोज 2 कप्स आर स्टैंडिंग।
बट आपका जो फोकस है वो थ्री ऑफ कप्स पे, जो कप्स गिरे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लाइफ में, और जो पॉजिटिव ऑलरेडी है उस पे फोकस आपने पास्ट में नहीं किया है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी पास्ट की बातें कर रहे हैं। तो पास्ट में मुझे आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट किसी भी रीज़न से हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बैल ओके कैंसेरियंस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ये डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए था क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था। ये सिक्स ऑफ पेंटिकल आया, ये भी बैलेंस ही बता रहा है कि बैलेंस नहीं थी चीज़ें। और फिर यहाँ पे टेम्परेंस आया है, तो वो भी लग रहा है कि बैलेंस नहीं थी। मुझे ये लग रहा है कि दिस होल रीडिंग इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप मोस्टली, तो कोई रिलेशनशिप है जिसमें बैलेंस नहीं है, और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी और चीज़ में बिजी थे, या फिर आप किसी और चीज़ में बिजी थे। तो ये जो एक रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए वो आपके नहीं है पास्ट में, इसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड यहाँ पे फील कर रहे हैं। बट जैसा कि मैं फिर से आपको बोलना चाहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो रही है, आप दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में। पर यहाँ पे द टावर कार्ड क्यों है, ये हमें देखना ज़रूरी है, तो इसको हम क्लेरिफाई करते हैं। ये जो भी टावर आया है ये आपके बहुत अच्छे के लिए ही आया है। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं आपकी लाइफ में अभी, जिस जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे सब कुछ चेंज होने वाला है। आपका ये जो रिलेशनशिप है जिसके साथ भी, यहाँ पे कोई चीज़ होगी सडनली या हुई है पास्ट में, जिसके कारण अब चीज़ें बदल रही हैं। इसी कारण ये रिफ्रेशिंग एस ऑफ कप्स आया कि फाइनली आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्यार आने वाला है। और ये जो क्लैरिफाई हो रहे हैं कार्ड्स, वो कितने प्रिटी हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये टू ऑफ कप्स है, ये कार्ड है रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का। ये सिक्स ऑफ कप्स है, अगेन फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है, ये एक नए नए पैशन का कार्ड है। तो यहाँ पे पैशन अब मुझे आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से कुछ भी, कोई चीज़ है जो गलत हुई है, जो खराब हुई है, बट वो ऐसा लगता है ना कि मुश्किल टाइम में आप दो लोग और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये मुश्किल टाइम आप जो साथ में अपने पार्टनर के साथ हैंडल करने वाले हैं, उसकी वजह से आप लोग और मुझे क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, जो भी कुछ गलत हुआ है वो एक्चुअली आपको क्लोज लेके आ रहा है। हो सकता है आपका पास्ट में कुछ झगड़ा हो गया और वापस से आप लोग साथ में आ रहे हो, मतलब एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली शुरू कर रहे हैं, एस मतलब शुरुआत होती है, कप्स मतलब इमोशंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होती है, 100% उसकी शुरुआत हो रही है। आई समटाइम रिपीट माई सेल्फ बिकॉज बार बार मैसेजेस रिपीट होते हैं, तो बेयर विद मी। अब आपको यहाँ पे क्या फोकस करना चाहिए, आपको यहाँ पे सिक्स ऑफ शॉर्ट्स पे फोकस करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। अब इसको हम क्लैरिफाई करके देखते हैं।
एट ऑफ कप्स, ओके ओके, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, आप आगे बढ़ रहे हैं बट आपके दिमाग में है डर, फियर है आपके अंदर, आप पॉजिटिव नहीं हो कि ये सच में हो रहा है। मुझे लग रहा है चीज़ें बदल रही हैं या फिर फ्यूचर में बदलेंगी, बट उस बदलाव को लेके आप श्योर नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो ये कैरी ऑन आगे होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ का डर है जो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते अपने अंदर लेके आ रहे हो, वो आपको लेके नहीं आना है। यहाँ पे नाइन ऑफ वांस है, ऐसे लग रहा है आप बहुत ही गार्डेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ सच में हो रही है, नहीं हो रही है, पॉसिबल है, नहीं हो पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसीलिए मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं लाइफ में वही चीज़ होती है, और जो आपके डर हैं वही आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से डर लग रहा है। बट अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है, हैप्पी फैमिली, फुलफिलमेंट, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, फैमिली आपके आगे बढ़ रही है। मतलब फ्यूचर में यू नो मे बी यू विल गिव बर्थ एंड स्टफ लाइक दैट। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली एंड यू आर गोइंग टूअर्ड दैट पाथ। बट यहाँ पे आप खुद को, आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो सकता है, हो सकता नहीं है, 100% होता है। अब आपको अपना क्या एटीट्यूड रखना है, ये सब जब चल रहा है तो द स्टार, आपका जो भी पास्ट का बिलीफ सिस्टम है उससे आपको बाहर निकलना है। पास्ट की जो नेगेटिविटी है, पास्ट की जो एक होता है ना, जो आपने अपने ऊपर लिमिट्स बना के रखी होती है कि यार हो सकता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो आपको उससे हील करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो गलत हुआ है उससे हील करने की आपको ज़रूरत है। हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आप किसी भी नई शुरुआत में जाते हैं, एक लाइफ का एक नया साइकिल शुरू करते हैं, तो अगर आप पुराना बिलीफ सिस्टम लेके चलेंगे तो आप कभी अपने आगे की लाइफ पॉजिटिवली क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास कोई ऑफर लेके आ रहा है अगेन, या फिर आपकी लाइफ में कोई नई चीज़, मैं कितनी बार बोलूँ मैं क्या करूँ, मतलब वही वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके पास ऑफर लेके आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल, या धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, बट ये जो आगे बढ़ ये जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, ये बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है बहुत यहाँ पे, मतलब आपको बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है, ये होता है कि कोई आपके पास ऑफर लेके आ रहा है, बट ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपकी जो किस्मत बदल रही है या फिर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो बहुत ही धीरे 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 हो रही है। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस मत लूज़ कर दो बीच बीच में, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है कि यार क्या है ये, अब कुछ नहीं बदलेगा, तो बस वो चीज़ प्लीज़ मैनिफेस्ट मत करना। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाह, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ एक ऑफर लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत। फिर मैंने बोला सेम चीज़ बोली ना मैंने, या एक नई शुरुआत के लिए मुझे यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये कार्ड होता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की, आप नींव रखते हैं किसी चीज़ की पहली पहली, तो ये आप हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हो उसके लिए ये आया है, या फिर अगेन आपके रिलेशनशिप के लिए आया है। और यहाँ पे आप इतनी प्यारी एनर्जी में लग रहे हैं, मतलब कैंसेरियंस का इस एनर्जी में होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये जो क्वीन है ये वही करती है जो उसे करना होता है, ये किसी की भी बुलशिट नहीं लेती है, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होती है और अपने पावर में पूरे टाइम रहती है। तो कैंसेरियंस तो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कार्ड आया तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में आ रहा हो जो आपको सिखा रहा हो कि बोल्ड कैसे रहना है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे फिर से फोर ऑफ सोर्ड्स है, मैंने जैसे आपको हील करने के लिए बोला था, ये भी हीलिंग का रेस्टिंग का कार्ड है, और स्टार कार्ड भी हमें यही बोल रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये फिर से पावर कपल हो गए आप। मुझे लग रहा है आप यहाँ पे होप कर रहे हैं कि आप मुझे लग रहा है किसी से आपको बात करनी है किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, बट आप कर नहीं पा रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि आपकी उनसे बात हो जाए। हो सकता है आपको आपके पार्टनर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो। हो सकता है वो बात करने में आपको डर लग रहा हो उनसे, अब मुझे नहीं पता ये किस बारे में। हो सकता है आप उनसे ये बात करना चाहते हो कि पुराना हमें भूल के एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जो कि पूरा बेसिस ही इस रीडिंग का वही है। बट यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है आता हुआ, तो आपकी बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर से कुछ इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, किसी चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। हो सकता है कि आप खुद इनिशिएट करें या वो इनिशिएट करें, बट क्योंकि मुझे होप्स में दिख रहा है ये कि आप होप कर रहे हैं कि आपका किसी से प्रॉपर डिस्कशन किसी चीज़ को लेके हो सके, तो या क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स था, अब एस ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर से एक नई शुरुआत के लिए बात करना चाहते हैं। द सन, कैन यू इमेजिन? मुझे लग रहा है आप, सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, मतलब सबसे खुशी वाला कार्ड है, सबसे ज्यादा खुशी वाला, और मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी आते हुए दिख रही है। तो सन इज लाइक द हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी कपल एंड हैप्पीनेस एंड वॉट नॉट, एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग नाइस। सो मुझे लग रहा है इसी एक नई शुरुआत से रिलेटेड आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, बट आपको लग रहा है, ऐसा मुझे सिक्स ऑफ शॉर्ट से लग रहा है कि आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको सीरियसली नहीं लेंगे, बट ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है अगर आपको लगता है कि आपको किसी से कुछ बात करनी है तो आपको कर लेनी चाहिए, बट ये कम्युनिकेशन तो होने वाला है बहुत जल्दी। एंड कैन यू सी द लेडी हियर? शी इज प्रेग्नेंट, सो ऑल द बेस्ट अगर कोई ट्राई कर रहा है तो। एंड लेट्स क्लैरिफाई द आउटकम, दैट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और यू नो बहुत ही प्रोफेशनल, कुछ रोबोटिक काइंड ऑफ एनर्जी होती है किंग ऑफ सॉर्ड्स की, तो माइट बी आपके पार्टनर हो। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, सो हो सकता है आप किसी किसी जेमिनाई से, एक्वेरियस से या लिब्रा से डील कर रहे हो, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, तो एस ऑफ कप्स इज योर एनर्जी कैंसर, ये कैंसर पाइसिस और स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा दिख रहा है, मुझे यहाँ पे द स्टार कार्ड है, तो मुझे एक्वेरियस भी दिख रहा है,
हो सकता है कुछ लोग एक्वेरियस से डील करते हो, यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस है वो जो मेरे लिए वर्गो का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। सो ये सारे साइन मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लेरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दो दो बार आया, आपके आउटकम में भी आया है, चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही है। द हर्मिट आया है आपके लिए। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे फिर से जो क्वीन है शी इज प्रेग्नेंट, सो ऑल द बेस्ट अगेन जो लोग ट्राई कर रहे हो उनके लिए। ये जो नई शुरुआत है और ये जो बहुत ही प्यारी एनर्जी है जिसमें आउटकम में आप जाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स कप्स हैं तो ऑब्वियसली कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पे सॉर्ड्स हैं तो यहाँ पे अगेन जेमिनाई लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप जो भी ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई आपके लिए कुछ ऑफर लेने लेके आने वाला है, हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर हो जो आपको कुछ ऑफर देने वाले हो, या फिर धीरे 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 यूनिवर्स की साइड से आपको ये प्रेजेंट मिलने वाला है मुझे। और मुझे लग रहा है कि अगर सबके लिए ये ट्रू नहीं है कि आप यू आर ट्राइंग टू गिव बर्थ और समथिंग लाइक दैट, देन आप कुछ ना कुछ बर्थ देने की लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, एज इन ये एक नया आइडिया हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया कुछ काम हो सकता है। तो मुझे आप उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और द सन कार्ड्स और जो कुछ भी हैप्पी कार्ड्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा। बट यहाँ पे आपको हर्मिट आया है, हाई प्रिस्टेस आया है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो भी कुछ नई अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं आपको हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस है, द स्टार है, द हर्मेट है, हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा एकांत में जाके शांत मन से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, यस। सो आप हो सकता है किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे हो, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अगेन किसी नई चीज़ की शुरुआत, कोई नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और या सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग, मतलब बहुत कम होता है कि पॉजिटिव रीडिंग्स मुझे करने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रह होती है मोस्टली रीडिंग्स में। सो आपके लिए चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। हम एक कार्ड लेते हैं, एक ओरेकल लेते हैं प्रोबेबली, या ये जो ओरेकल कार्ड्स हैं इसको मैं गाइडेंस के कार्ड्स समझती हूँ कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि जो आपका आउटकम है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएं। जॉय एंड डिलाइट, बस आपको खुश रख रहना है अभी अपनी खुशी वाले वाइब्रेशंस में रहना है, यही आपके लिए मैसेज है। यहाँ पे एक और मैसेज निकालते हैं। प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड, सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाए यूनिवर्स के साइड से आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मतलब ये बार बार पेंटिकल्स देख के मुझे लग रहा है बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको अगले एक साल में कितना कुछ बदल गया आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप बहुत ही प्यारी एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं विथ पेशेंस। आप बस आपको पेशेंस रखना है, हील करना है खुद को, एंड एवरीथिंग इज सेट। चार्म्स लेते हैं कुछ,
कुछ अल्फाबेट्स। सॉरी, हो सकता है आप कुछ ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर ट्रैवल करने वाले हों, या फिर सो ट्रैवलिंग है अभी तो ऑब्वियसली कोविड है, तो आई डोंट नो आप कैसे ट्रैवल करेंगे, बट आप मुझे लग रहा है आप करना चाहते हैं कहीं ट्रैवल। देन वी हैव एंकर, सो दिस इज़ अगेन गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ। सो या देन वी हैव गिटार, हो सकता है आपके पार्टनर आर्टिस्ट हों, या फिर आप गिटार बजाते हों, या फिर ये बस एक हैप्पीनेस और डिलाइट का भी मैसेज है, हो सकता है। फेदर फॉर मी इज़ कि आपके एंजल्स और आपके भगवान आपके आसपास हैं हमेशा, और आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव अ मैसेज, इट्स माई ईगो, हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपको ईगो दिखा रहा हो और बोल रहा है आपको इट्स माई ईगो। देन वी हैव आई मेस्ड अप, यहाँ पे आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में कोई है जो बता रहा है, जिसे रियलाइज हो रहा है मेरे ख्याल से कि उसने लाइफ में बहुत कुछ गलतियाँ की हैं आपको लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके। देन वी हैव अ बर्ड, यस फ्लाई हाई। कुछ अल्फाबेट्स हैं, हो सकता है ये आपके लेटर्स हों, या फिर हो सकता है ये आपके पार्टनर के हों। वी हैव ए एंड देन वी हैव जी, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि निकल के आए। देन हमारे पास कितने सारे ई हैं, चार हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, बट हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। देन वी हैव एम, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एम से हो जो रिलेटेड हो। एंड देन वी हैव ब्लैंक, सो आई डोंट नो, मतलब यूनिवर्स बोल रहे अपने हिसाब से अपने लेटर लिख लो। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। सो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक टाइमिंग कार्ड निकालूंगी कि कब आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम आने वाला है, सो लेट्स डू इट। थ्री ऑफ कप्स, ये मई जून या जुलाई नेक्स्ट ईयर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है समर में। या एक और निकालें क्या, फिर से कप से सेम मैसेज, मई जून जुलाई, या इस साल के या अगले साल के मई जून एंड जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ होने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल कैंसेरियंस, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। आई होप आपने इंजॉय की हो अपनी रीडिंग, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।